मैडम टी कीप इट हियर गुड मॉर्निंग मामा गुड मॉर्निंग डार्लिंग हैव अ क्रोसों एंजॉय मॉर्निंग मा मॉर्निंग बॉब ये क्या है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए वो आए या जाए हु केयर्स मैं सो गुलाम नहीं हूं ऑलराइट गुलाम ही तो है ब्रदर मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25% है एक चौथा हिस्सा रियली मामा बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ निकी फिर से तुम पापा के बॉब तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतलिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए हाँ वो सब तो ठीक है डियर सिस लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा सब्र डार्लिंग सब्र दुल्हन रानी दुल्हन रानी जरा इधर तो आओ ओहो वाह नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना जी ओहो कितनी सुंदर साड़ी है और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो जब जरूरत हो तो मांग लेना हम दे देंगे लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना वैसे रानी इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं जी नहीं मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं इसकी तो जबान भी है मामा शीज अ बिच क्या क्या कहा आपने क्या पुकारा मुझे मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा आखिर मैं क्या कह सकती हूँ क्या मैं तो एक माँ हूँ सिर्फ माँ और उसमें ये इल्जाम के सौतेली हूँ हाय तो इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई क्या हुआ माँ क्या बात है राम मैं रही इस घर की चौकीदार मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो कहीं ऊंच नीच हो जाए घर के नौकरों का क्या भरोसा बेटा बस इतनी सी राय दी थी वो नाराज हो गई इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप बस माँ से माफी मांगो आपको जानते भी नहीं और आप मैंने कहा ना माँ से माफी मांगो नो अंजलि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना तो जाओ माँ को जेवर दे आओ कभी नहीं क्यों दूं मैं अपने जेवर ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं और बात सिर्फ जेवर की नहीं है बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है बात बड़ों की इज्जत की है देखो इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे माँ ने हुक्म दिया है उस हुक्म का पालन करो जाओ माँ को जेवर दे आओ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है हमें पूरा यकीन है तुम पर देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नॉनसेंस मैडम ये तुम क्या करता मैडम किधर जाता अपने घर मैडम तुम्हारा घर तो इधर ही है ये मेरा घर नहीं है मैडम ये तुम क्या बोलता उन लोगों की बातों में आ गया मैडम वो तो चाहती है कि तुम्हारा घर टूटे हाँ क्या हाँ मैडम गॉड प्रॉमिस आओ हम बताता काम मैडम काम काम
Oh, Mama, Mama, you were brilliant. What a performance, hey? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए. थैंक यू. क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को. लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबरदस्ती कर रही थी. मामा है तो वो बहुत ही ढीठ, ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए. वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ. भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे. ही सच अ फूल ना मामा. नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं. हाउ मच वी हेट हिम. सचमुच कितना बेवकूफ है वो. कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में. बेबी कोई सुन लेगा. आने तो तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, मां के हुक्म का पालन नहीं किया. मां मां बहन भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर. लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिलों में आपके लिए क्या है. क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप तो सुनिए. नफरत करते हैं आपसे, नफरत. एवरीबडी हेट्स यू. पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको. दे ऑल थिंक यू आर अ फूल. जानते हैं ये आप? हाँ जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे. फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं. जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से. इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाए मुझे प्यार करने पर. यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है. अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है. हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं. जैसा हम कहते हैं वैसा करो. चलो सारे जेवर माँ को दे आओ. माँ को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी. चलो. जा रहे हैं आप? मैंने पूछा कहां जा रहे हैं आप? अरे मारिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं. हाँ, कब लौटेंगे? मालूम नहीं. और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? पूरा घर है, सब लोग हैं, और वैसे भी आपको अकेले रहने का बहुत शौक है. और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे भी सबको अपना ध्यान रखना खुद आना चाहिए. विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज सर. मैडम, हेलो. हेलो भाभी, बॉबी है. हाँ बोलो भाभी. वो एक जरूरी काम था, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था. मैं नीचे स्टडी में हूँ, आप आ सकती हैं? ऐसा क्या जरूरी काम है?
आप आई तो सही। All right. हाँ बॉबी, बॉबी ये क्या है? You're looking cool tonight. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Come on, don't be a prude. बंद करो ये सब नाटक. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या है. यह क्या नहीं है, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा. I promise. What's it? भाईजान घर आ गया. अब घर चले जाइए. जी मुल्ला की दौड़ आखिर मस्जिद तक. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सब कहने की, ऐसा सोचने की भी? Move! नहीं। वाहियात हरकत नहीं कर सकता. You are absolutely right, mama. Definitely she must have done something. इसी ने कुछ किया होगा. इसी ने उकसाया होगा मेरे ब्रदर को. और ये उकसाना आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है. मामा आप जानते हो, जब मैंने इसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो इसने कहा इसमें हर्जी क्या है, जरूरी नहीं किसी को पता चले. I was shocked, mom. झूठ, सब झूठ. राम, राम, ये सब मिलकर झूठ बोल रहे. प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ राम, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए. ये तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा, ये मेरा विश्वास करेगा, है ना राम? माँ आप झूठ बोल रही हो. माँ बेटे तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया झूठ. तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो. न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते आए और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी. लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. अंजलि झूठ नहीं बोल रही. मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है. अच्छा तो हमारी बात से ज्यादा इसकी बात पे यकीन होने लगा, तो फिर हमारा इस घर में क्या काम? ठीक है हम यहां से चले जाएंगे, हम फार्म हाउस चले जाएंगे. क्यों? जैसे आप मुनासिब समझे. आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा माँ. हाँ. जो आपको मंजूर हो. ठीक है ठीक है, चलो 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 निकी, चलो बॉब. हम चलते हैं यहां से. सुनी मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है.